अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल प्रोफेसर जिम स्टूडेंट्स उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं हम आ, पास्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिक्स पार्ट वन के तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर थ्री मैट्रिसेस एंड डिटरमीट्स तो इसमें जो पास्ट पेपर्स में जो शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने लगे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल है डिफ़ाइंड डाइगनल मैट्रिक्स ये लाहौर बोर्ड में भी आया हुआ है और डे जी खान बोर्ड में भी ये याद रखना है कि यहाँ पर जो साथ मैंशन होता है इसका मतलब है ये लाहौर टू थाउजेंड एटीन में आया हुआ है और डे जी खान बोर्ड टू थाउजेंड फ़िफ्टी में आया हुआ है तो ये जो ग्रीन मार्कर से जो मैंने मैंशन किया होता है इसका मतलब है ये क्वेश्चन फलाँ बोर्ड में और फलाँ ईयर में आया हुआ है तो ये आपने इसका ये मतलब लेना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल है डिफाइन डायगोनल मैट्रिक्स लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी आ स्केयर मैट्रिक्स ये हमने कोई भी स्केयर मैट्रिक्स ऑर्डर ले लिया इसमें अगर इफ ए आई जे इज इक्वल टू इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड ऐट लीस्ट एंड ऐट लीस्ट वन ए आई जे इज नॉट इक्ल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे देन वी सेट दैन द स्केयर मैट्रिक्स इज कार्ड डाइगनल मैट्रिक्स दैन स्केयर मैट्रिक्स इज कार्ड डाइगनल मैट्रिक्स इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जो आपके पास डाइगनल एंट्रीज होती है ना उसमें कम से कम एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए सपोज़ ये आपके पास फाइव है और ये ज़ीरो है ये ज़ीरो और ये जीरो uh, तो ये आपके पास ये होती हैं डाइग्नल एंट्रीज। डाइग्नल एंट्रीज में कम से कम एटलीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट एंड आल अदर एलिमेंट्स आर जीरो दैन वी दैट दैट मैट्रिक्स इज़ अ डायग्नल मैट्रिक्स सपोज टू ज़ीरो 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 फाइव दिस इज़ आल्सो कॉल्ड डाइग्नल मैट्रिक्स Because in main diagonal, in principal diagonal, at least one non zero element is also available here. So there are two non, non zero entries in main diagonal, and all other entries are zero. So it is also a example of uh, diagonal matrix. Next, we define identity matrix. Here, a square matrix. ए इज इक्वल टू ए आई जे इज सेट टू बी आइडेंटिटी या फिर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू वन फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे एंड ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज़ नॉट इक्वल टू जे वो तमाम एलिमेंट्स जो मेन डाइगल एंट्रीज के एलिमेंट्स हैं वो वन होंगे और बाकी रिमेनिंग सारे एंट्रीज क्या होंगी जीरो होंगी सपोज अगर ये आप हम जनरल फॉर्म में ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू एन ए थ्री टू और ए थ्री थ्री ये आपके पास स्कीयर मैट्रिक्स है आर्डर थ्री बाय थ्री तो ये आपके पास डाइगनल एंट्रीज हैं जिसमें आई और जे सेम है आई और जे सेम है आई और जे सेम है बाकी जितने भी एंट्रीज़ हैं अपर और लोअर वो सारी क्या हैं नॉन डाइगनल एंट्रीज़ हैं और वो क्या होनी चाहिए ज़ीरो होनी चाहिए तो ये मैं इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ एक तो वन ज़ीरो ज़ीरो वन ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये वन ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एग्ज़ेम्पल है मैं थ्री बाय थ्री का मैट्रिक्स लेता हूँ वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो और ज़ीरो जीरो, जीरो वन तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है याद रखिएगा जिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आर्डर थ्री बाय थ्री हो उसको आई थ्री कहते हैं जिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आर्डर टू बाय टू हो उसे आई टू कहते हैं और यहाँ से इसको आई कहते हैं तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर थ्री डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन नंबर थ्री में कहता है फाइंड एक्स एंड वाई हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है इफ़ ये टू मैट्रज़ आर एकअल ये बहुत से बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है और एक से ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है तो यहाँ से हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो हमें गिवन क्या है एक्स प्लस थ्री वन माइनस थ्री थ्री वाई माइनस फोर इज़ इक्ल टू ये किसके इक्वल है टू वन माइनस थ्री एंड वन टू मैट्रसिस आर सेट टू बीक्वल इफ़ कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल मीन फर्स्ट एंट्री इज इक्वल टू फर्स्ट एंट्री देट इज एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू टू सेकेंड एंट्री इज इक्वल टू सेकेंड थर्ड इज इक्वल टू थर्ड एंड फोर्थ एंट्री इज इक्वल टू फोर्थ एंट्री तो ये इक्वल मैट्रसिस की डेफिनेशन है यहाँ से आप एक्स निकाल लें एक्स इज इक्वल टू टू माइनस थ्री और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन यहाँ से हम y निकालते हैं तो थ्री वाई इज इक्वल टू वन प्लस फोर और यहाँ से थ्री वाई इज़ इक्वल टू फाइव और यहाँ से ये यह थ्री उधर जा कर डिवाइड हो जाएगा तो यही हमें x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर फोर डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर है इफ़ ए इज इक्वल टू दिस एंड ए स्केर इज इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे ए स्केयर फाइंड करेंगे दैट इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई ए स्केयर इज इक्वल टू क्या है वन टू ए बी एंड सेकंड एक क्या है वन टू ए बी अब हम क्या करते हैं ए स्केयर की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं और ए स्केयर की वैल्यू क्या है जीरो 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 इज इक्वल टू इन दोनों मैट्रस को मल्टीप्लाई करते हैं अब मैट्रस मल्टीप्लीकेशन क्या होती है फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम तो वन इंटू वन वन प्लस टू इंटू ए टू ए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से तो यहाँ से ये सेकंड कॉलम है तो वन इंटू टू टू प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा टू बी आ जाएगा अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से तो एन टू वन ए आ जाएगा प्लस ए बी एंड यहाँ से टू ए प्लस बी स्केयर तो ये यह हमारा यहाँ से रिजल्ट अब अगेन वही टू मैट्रिस आर सेट टू इक्वल इफ़ क्रॉस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ आर इक्वल यहाँ से फर्स्ट एंट्री इज़ इक्वल टू फर्स्ट एंट्री जीरो इज इक्वल टू टू ए यहाँ से माइनस वन इज़ इक्वल टू टू ए और यहाँ से माइनस वन ओवर टू इज इक्वल टू ए तो ये ए की वैल्यू है सेकेंड एंट्री इज आल्सो इक्वल टू सेकेंड एंट्री तो यहाँ से टू इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू टू बी हम टू पे डिवाइड कर देते हैं तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है यही हमने फाइंड करना था इस क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर फोर डिस्कस करते हैं तो क्वेश्चन नंबर फोर है डियर स्टूडेंट्स ये भी सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ए गिवन है ए स्केयर गिवन है और ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो देखें ए स्केयर फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे ए स्केयर दैट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय ए स्केयर इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स क्या गिवन है वन माइनस वन ए बी एंड अगेन ए मैट्रिक्स वन माइनस वन ए एंड बी हम क्या करेंगे यहाँ से ए स्केयर की तो वैल्यू रिप्लेस करेंगे ए स्केयर क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू बाई टू एंड हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करने का वही मेथड फर्स्ट रो को लें फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से तो यहाँ से वन माइनस ए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से माइनस वन माइनस बी अगेन सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से ए प्लस ए बी एंड अगेन सेकंड रो को सेकंड कॉलम से माइनस ए प्लस बी स्केर यहाँ से फिर हम क्या करेंगे टू इक्वल मैट्रसेज वाली डेफिनेशन लगाएंगे टू मैट्रसेज आर सेट टू बी इक्वल इफ इफ क्रॉस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल यहाँ से फर्स्ट एंट्री इज इक्वल टू फर्स्ट एंट्री एंड सेकेंड एंट्री इज इक्वल टू सेकेंड एंट्री तो यहाँ से वन ये ए इधर आके प्लस हो जाएगा ये वन उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी ज़ीरो एंड यहाँ से क्या करेंगे हम बी की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस बी इधर आके प्लस हो जाएगा और यहाँ से ये हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है ए की वैल्यू जीरो और बी की वैल्यू माइनस वन तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन नंबर फोर है नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर फाइव डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फाइव है फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स देखिए अगर कोई भी आपके पास सपोज मैट्रिक्स ए है इसका इनवर्स फाइंड करना है तो क्या होता है वन ओवर ए डिटर्मिनेंट एट ज्वाइंट ऑफ ए अब सपोज मैट्रिक्स है आपके पास ए बी सी डी हमने इसका इनवर्स हमने इसका पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट क्या होता है हम डाइगनल एंट्रीज का प्रोडक्ट माइनस यहाँ से नॉन डाइगनल एंट्रीज का प्रोडक्ट और एडजॉइंट क्या होता है एडजॉइंट किसी भी स्केयर मैट्रिक्स का हम टू बाई टू का फाइंड करते हैं डाइगनल एंट्रीज़ की प्लेस चेंज करते हैं और नॉन डाइगनल एंट्रीज के साइंस चेंज करते हैं तो इस तरह आपने डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट फाइंड करना है तो यहाँ से मैं इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट फाइंड करके यहाँ पे रिप्लेस कर दूँगा तो यहाँ से देखें ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू माइनस टू थ्री माइनस फोर और फाइव तो यहाँ से जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टेन और माइनस और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ट्वेल्व तो ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू माइनस टेन प्लस ट्वेल्व तो, तो यहाँ से ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी टू नेक्स्ट हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं तो देखिए एडजॉइंट फाइंड करेंगे इनकी प्लेस चेंज करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा फाइव इधर आ जाएगा माइनस टू इनके साइंस चेंज, चेंज करेंगे तो माइनस थ्री और फोर आ जाएगा अब ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो ए इनवर्स इज़ इक्वल टू वन ओवर टू फाइव माइनस थ्री फोर माइनस टू और यहाँ से हम क्या करेंगे इसको अंदर डिवाइड कर देते हैं तो ए इनवर्स इज़ इक्वल टू फाइव बाई टू फोर बाय टू टू माइनस थ्री बाई टू और माइनस टू बाई टू तो माइनस वन तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना था नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर सिक्स डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन नंबर सिक्स है जो हमें दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है और हमें यहाँ से इसको सॉल्व करना है मैट्रिसेस की मदद से तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं तो इसकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉफिशियट्स मैट्रिक्स बनाते हैं यहाँ पे कॉफिशेंट फोर यहाँ पे कॉफिशेंट थ्री यहाँ पे कॉफिशेंट थ्री यहाँ पे काफिशेंट माइनस वन अब इसमें जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हुए हैं वो हम कॉलम में लिखते हैं तो वेरिएबल्स एक्स वन और एक्स टू हैं और राइट हैंड साइड क्या है फाइव और सेवन है इसको हम ए कहते हैं ये एक्स कह देते हैं और राइट हैंड साइड को बी और यहाँ से एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी यहाँ पे आपने एक बात माइंड में रखनी है कि आप जिस मैट्रिक्स को दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं अगर वो पहले है तो उसको इन्वर्स भी पहले रहेगा अगर वो मैट्रिक्स एक्स के बाद है तो इनवर्स बाद में जाकर बनेगा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिकस में एग्जिस्ट नहीं करती तो इसलिए हमारा रिजल्ट ठीक नहीं आएगा अब हमें क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल ए इनवर्स निकालना है तो इनवर्स क्या होता है वन ओवर ए डिटर्मिनेंट एट ज्वाइंट ऑफ ए तो यहाँ से देखें ए डिटर्मिनेंट ये कॉफी मैट्रिक्स को हमने ए कहा है तो इसका डिटर्मिनेंट फोर थ्री थ्री माइनस वन तो यहाँ से ये यह क्या आ जाएगा माइनस फोर और माइनस नाइन तो यहाँ से ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा माइनस थर्टीन अब हम क्या करते हैं एड ऑफ ए निकालते हैं तो एड ऑफ ए क्या आएगा इनकी हम क्या करेंगे प्लेस चेंज करेंगे और इनके साइंस चेंज करेंगे और ए इनवर्स क्या आ जाएगा वन ओवर ए डिटर्मिनेंट जो कि माइनस थर्टीन है एट ऑफ ए जो कि माइनस वन माइनस थ्री माइनस थ्री और फोर है अब हम क्या करते हैं यहाँ से एक्स फाइंड करते हैं हमारा टारगेट है एक्स फाइंड करना तो यहाँ से एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स ए इन्वर्स की वैल्यू क्या है माइनस वन ओवर थर्टीन और यहाँ से माइनस वन माइनस थ्री माइनस थ्री फोर और साथ बी बी कितना है फाइव और सेवन यहाँ से माइनस वन ओवर थर्टीन एज इट इज़ इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फाइव और यहाँ से माइनस ट्वेंटी वन सेकेंड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से माइनस फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी एट अब यहाँ से ये माइनस ट्वेंटी सिक्स आ जाएगा ये थर्टीन डिवाइड होगा तो यहाँ से टू आ जाएगा ये बनता है थर्टीन थर्टीन को माइनस थर्टीन पर डिवाइड करेंगे तो माइनस वन तो यहाँ से देखें एक्स वन की वैल्यू क्या आ जाएगी टू और एक्स टू की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन तो यही हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन में ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर सेवन डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेवन में हमने क्या करना है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और डिटर्मिनेंट क्या है ए प्लस एल यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेवन हमने डिस्कस करना है और क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है ये क्वेश्चन नंबर सेवन है जी इफ एंड बी आर स्केयर मैट्रिस ऑफ सेम ऑर्डर देन वाई इन जनरल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर तो देखें डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम सॉल्व करते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी को क्या हमारा रिजल्ट ए स्केर माइनस बी स्केयर आता है तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई ए को फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों से मल्टीप्लाई करें ए स्केयर माइनस ए बी फिर बी को मल्टीप्लाई करें बी ए माइनस बी स्केयर अब देखें आप लोग जानते हैं कि ए बी कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मैट्रिसेस में एग्जिस्ट नहीं करती ए बी और बी एक्ल नहीं है तो इट मींस माइनस ए बी और प्लस बी ए ज़ीरो नहीं हो सकते अगर ये ज़ीरो नहीं हो सकते तो फिर इसको हम ए स्केयर माइनस बी स्केयर नहीं लिख सकते ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा हुआ है नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर एट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर एट में कहता है विदाउट एक्सपेंशन शो दैट इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो मीन हमने एक्सपेंड नहीं करना हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट यूज़ करनी और इसका रिजल्ट क्या करना है ज़ीरो लाना है तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो तब होता है जब उसमें टू रोज आर टू कॉलम्स आर सेम या सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि इफ एनी रो और कॉलम हैज ऑल द एंट्रीज आर ज़ीरो किसी रो या किसी कॉलम की सारी एंट्री ज़ीरो आ जाएं या फिर ऐसा होता है कोई सी दो रोज़ या दो कॉलम्स एक जैसे बना दें तो फिर भी क्या होता है डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाता है तो यहाँ से हमने इसका इसको एक्सपेंड नहीं करना इसका मतलब है हम प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे और प्रॉपर्टीज़ बना के फिर इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल लाएंगे तो यहाँ से लेफ़्ट ले लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो यहाँ से देखें हम क्या करते हैं कॉलम टू माइनस कॉलम वन और कॉलम थ्री माइनस कॉलम टू तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे वन फोर सेवन ये तो एज इट इज़ आ जाएगा कॉलम टू माइनस कॉलम वन मीन टू माइनस वन वन फाइव माइनस फोर वन एट माइनस सेवन वन ये कॉलम टू में से कॉलम वन अब ये कॉलम थ्री है इसमें से कॉलम टू माइनस कर दें तो थ्री माइनस टू वन सिक्स माइनस फाइव वन नाइन माइनस एट वन अब देखें कॉलम टू और कॉलम थ्री कॉलम टू और कॉलम थ्री ये सेम है सो so, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा ज़ीरो तो यही हमें प्रूव करना था देखिए हमने एक्सपेंड भी नहीं किया और डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो आ गया तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर एट डिस्क सॉरी नाइन डिस्कस करते हैं अब क्वेश्चन नंबर नाइन है जी शो दैट इसको हमने एक्सपेंड करना है और रिजल्ट ये लेके आना है तो यहाँ से हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए प्लस एल ए प्लस एल और ए प्लस एल तो हम क्या करते हैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं तो यहाँ से मैं इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करता हूँ एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो तो ये आप ज़रा गौर से देखिएगा जब भी आर्डर थ्री बाय थ्री या इससे ग्रेटर आएगा तो हम इस तरह किसी एक रो या किसी एक कॉलम से एक्सपेंड करते हैं तो मैं इसको रो वन से एक्सपेंड करने लगाऊँ तो ये हमारी रो वन है तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है ए प्लस एल है जो एलिमेंट होगा वो लिखेंगे उसके सामने रो कैंसिल कर देंगे उसके सामने कॉलम कैंसिल तो ये ए प्लस एल ए प्लस एल फिर हम मूव करते हैं सेकंड एलिमेंट पे फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड माइनस लेते हैं माइनस ए अब ये ए वाला कॉलम कैंसल ए वाली रो कैंसल बाकी क्या बचेगा ए ए ए ए प्लस एल नेक्स्ट हम मूव करते हैं थर्ड एलिमेंट की तरफ थर्ड एलिमेंट प्लस ए है तो यहाँ से हम क्या करेंगे अब ये एलिमेंट है ये कॉलम कैंसिल ये रो कैंसिल तो बाकी क्या आएगा ए ए प्लस एल ए और ए अब इनका हम क्या करते हैं डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं तो यहाँ से ए प्लस एल आ जाएगा अब यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस एल होल स्केयर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए स्केयर माइनस ए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ए इन टू ए प्लस एल माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्केयर प्लस ए यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए स्केयर माइनस यहाँ से मैं इधर लिख देता हूँ ए टू ए प्लस एल और ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से ए प्लस एल ये स्केयर ओपन करते हैं ए तो प्लस एल स्केयर ए प्लस बी स्केयर तो ए स्केयर प्लस एल स्केयर प्लस टू ए एल माइनस ए स्केयर माइनस ए एज इट इज़ यहाँ से ए स्केयर प्लस ए एल माइनस ए स्केयर प्लस ए और यहाँ से ए स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस ए एल यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ए प्लस एल एज इट इज़ ए स्केयर से ए स्केयर कैंसल तो एल स्केयर प्लस टू ए एल माइनस यहाँ से ये यह कैंसल तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्केयर एल यहाँ से ये यह कैंसल तो माइनस ए स्केयर एल अब हम क्या करेंगे इस ए को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे ए एल स्केयर प्लस टू ए स्केयर एल प्लस एल क्यूब प्लस टू ए एल स्केयर माइनस ए स्केयर एल माइनस ए स्केयर एल तो यहाँ से देखें एल क्यूब प्लस यहाँ से ए एल स्केयर प्लस टू ए एल स्केयर तो ये थ्री ए एल स्केयर प्लस टू ए स्केयर एल माइनस ए स्केर एल माइनस ए स्केर एल तो माइनस टू ए स्केर एल तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से एल स्केयर कॉमन ले लेते हैं तो थ्री ए प्लस एल तो यही हमारी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है तो ये देखिए हमने इसको कॉलम वन सॉरी रो वन से एक्सपेंड कर दिया तो किसी भी क्वेश्चन को आप रो वन से भी एक्सपेंड कर सकते हैं कॉलम वन से भी एक्सपेंड कर सकते हैं बट जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट लेके उसके सामने रो या कॉलम कैंसिल करके उसका डिटर्मिनेंट और फिर फर्दर उसको आप ओपन करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर नाइन है नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर टेन डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टेन है फाइंड द को फैक्टर बी टू टू बी टू थ्री ये आपके पास मैट्रिक्स है अब देखिए अगर कोई भी मैट्रिक्स हो बी आई जे उसका को फैक्टर निकालना हो तो माइनस वन रेज टू पावर आई प्लस जे और एम आई जे अब एम आई जे क्या है ये माइनर ऑफ एन एलिमेंट है और माइनर ऑफ एन एलिमेंट कैसे ऑप्टेन होता है किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड करना हो तो उस एलिमेंट वाली रो कैंसल उस एलिमेंट वाला कॉलम कैंसल बाकी जो बचेंगे उनका आप क्या करेंगे डिटर्मिनेंट कर देंगे तो वो माइनर आ जाएगा बट माइनर और को फैक्टर के लिए ये याद रखना है आपने अब हमें चाहिए बी टू टू ये देखें ये बी वन वन बी वन टू बी B13, B21, B22 ये ये एलिमेंट होगा B22 तो ये B22 टू टू इज इक्वल टू माइनस वन रेस टू पावर टू प्लस टू अब B22 का मतलब है सेकंड रो कैंसिल और सेकंड कॉलम कैंसिल तो बाकी क्या बचेगा फाइव फाइव माइनस टू माइनस टू तो यहाँ से माइनस वन रेस टू पावर फोर तो ये माइनस टेन माइनस माइनस टेन ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से ये प्लस वन हो जाएगा ये माइनस टेन प्लस टेन हो जाएगा और ये किसके इक्वल आ जाएगा जीरो के इक्वल। तो बी टू टू इक्वल होता है ज़ीरो के इक्वल। इसी तरह बी टू थ्री ये कॉफैक्टर फैक्टर बी टू थ्री अब ये होगा माइनस वन रेस टू पावर टू प्लस थ्री अब सेकंड रो और थर्ड कॉलम सेकंड रो और थर्ड कॉलम ये बी टू थ्री है सेकंड रो थर्ड कॉलम तो बाकी क्या बचेगा फाइव माइनस टू माइनस टू और वन तो ये यहाँ से माइनस वन रेस टू पावर फाइव तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और यहाँ से माइनस माइनस प्लस फोर आ जाएगा यहाँ से माइनस वन रेज टू पावर फाइव माइनस वन होता है फाइव माइनस फोर वन तो यहाँ से माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई वन तो यहाँ से ये को फैक्टर बी टू थ्री हमारे पास ये आ गया तो यही टू को फैक्टर्स निकालने थे एक ये को फैक्टर है बी टू टू जिस वैल्यू जीरो आई है और दूसरा को फैक्टर है बी टू थ्री जिस वैल्यू माइनस वन आई है तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है यही फाइंड करना था नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर एलेवन डिस्कस करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर एलेवन में भी हमने विदाउट एक्सपेंशन प्रूव करना है कि इसका डिटर्मिनेंट जीरो आता है तो फिर वही काम इसको हम एक्सपेंड नहीं करेंगे हम प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे कोई सी दो रोज़ या दो कॉलम्स एक जैसे बनाएंगे या फिर हम क्या करेंगे किसी एक रो या किसी एक कॉलम की सारी एंट्री ज़ीरो बनाएंगे तो यहाँ से हम लेते हैं लेफ़्ट लेफ्ट हैंड साइड जब आप लेंगे तो यहाँ से बी सी सी ए बी वन ओवर ए वन ओवर बी वन ओवर सी और यहाँ से ए बी और सी याद रखिएगा जब भी आपने एक्सपेंड ना करना हो और डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल हो तो फिर आपने क्या करना है आपने चेक करना है उतने उसमें अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं जो अल्फाबेट्स हों उनसे आप मल्टीप्लाई भी कर दें यहाँ पे अल्फाबेट्स ए बी सी हैं तो ए बी, सी से हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और ए बी सी से हम डिवाइड भी कर देते हैं वन ओवर ए वन ओवर बी वन ओवर सी ए बी सी अब देखिए यहाँ से हम इसमें टू रोज़ या टू कॉलम्स एक जैसे ईजीली बना सकते हैं कैसे मैं अगर रो वन को ए बी सी पे डिवाइड कर दूं या रो टू को ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों सूरतों में दो टू रोज़ या टू कॉलम्स इक्वल होते हैं तो मैं क्या करता हूं रो वन को क्या कर देता हूं ए बी सी पे डिवाइड कर देता हूं तो यहां से वन ओवर ए बी सी सॉरी ए बी सी से तो डिवाइड कर दिया इससे तो ऊपर ए बी सी जाएगा अब रो वन को कर रहे हैं जब इसको ए बी सी पर डिवाइड करेंगे तो वन ओवर ए बचेगा जब इसको ए बी सी पर डिवाइड करेंगे तो वन ओवर बी बचेगा जब इसको ए बी सी पर डिवाइड करेंगे तो वन ओवर सी क्यों जब इसको ए बी सी पर डिवाइड करेंगे बी सी कैंसल तो ए बच जाएगा इसको जब डिवाइड करेंगे बी बच जाएगा इसको जब डिवाइड करेंगे सी वन ओवर ए वन ओवर बी वन ओवर सी और यहाँ से ए बी सी ये आपके पास आ जाएगा तो यहाँ से देखें ए बी सी रो वन एंड रो टू सेम है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा जीरो और यहाँ से ये जीरो आ जाएगा तो यही हमारी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है यही प्रूव करना था हमने क्वेश्चन नंबर इलेवन में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है डियर स्टूडेंट्स फाइंड वैल्यू ऑफ लैम इफ़ ए इज इक्वल टू दिस इज सिंगर कोई भी मैट्रिक्स पोज ए सिंगुलर है तो इट मीन्स ए डिटर्मिनेंट क्या होगा जीरो कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है जब उसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाए जीरो तो हम यहाँ से ए डिटर्मिनेंट फोर लैमडा थ्री सेवन थ्री सिक्स टू थ्री और वन इसका डिटर्मिनेंट क्या करना है जीरो के इक्वल करना है अब फिर हम वही बात इसको रो वन या कॉलम वन से एक्सपेंड कर देते हैं तो मैं यहाँ से इसको भी रो वन से एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि एक ही मेथड अप्लाई करें और आप लोगों के माइंड में रहें तो हम क्या करते हैं रो वन से एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ से फोर आ जाएगा ये इसके सामने रो कैंसिल कॉलम कैंसिल बाकी थ्री सिक्स थ्री वन माइनस सेकेंड एलिमेंट लैमडा है लेमडा के सामने रो कैंसल कॉलम कैंसल सेवन सिक्स टू वन प्लस नेक्स्ट एलिमेंट थ्री है थ्री कॉलम कैंसल रो कैंसल सेवन थ्री टू और यहाँ से ये थ्री इज इक्वल टू जीरो यहाँ से हम क्या करते हैं फोर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे थ्री माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एटीन माइनस लैमडा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेवन माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेल्व प्लस थ्री और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी वन माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स और इज इक्वल टू जीरो फोर इन टू माइनस फिफ्टीन माइनस इंटू माइनस फाइव प्लस थ्री इंटू यहाँ से फिफ्टीन इज टू ज़ीरो माइनस सिक्सटी प्लस फाइव लैमडा प्लस फोर्टी फाइव इज इक्वल टू जीरो फाइव लैमडा माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो फाइव लैमडा इज इक्वल टू फिफ्टीन और यहाँ से लैमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री तो इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना था तो ये आपने माइंड में रखना है कि जब भी मैट्रिक्स सिंगुलर हो इट मीन्स उसका डिटर्मिनेंट क्या करना है आपने जीरो लेना है तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर थर्टीन डिस्कस करते हैं

किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए इट मीन्स वो मैट्रिक्स क्या है सिमेट्रिक है नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं स्क्यूसमीट्रिक मैट्रिक्स अस्केयर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए अगर जिस मैट्रिक्स में ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा नेक्स्ट है हरमिशन मैट्रिक्स अस्केर मैट्रिक्स अस्केर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे विद कंप्लेक्स एंट्रीज़ ये आपने माइंड में रखना है के हर हरमिशन और स्क्यू अर्मिशन के लिए कम्प्लेक्स एंट्रीज को होना ज़रूरी है कम्प्लेक्स एंट्रीज इज सेड टू बी हरमिशन इफ क्या मतलब है इसका कौन सी कंडीशन कांजूगेट लें उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो इट मीन्स वो मैट्रिक्स क्या होगा हरमिशन होगा और स्क्यू अर्मिशन तो आस्केर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे विद कंप्लेक्स एंट्रीज एज सेट टू बी स्क्यू हरमिशन इफ क्या कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लें ट्रांसपोज लें और वो माइनस ए के इक्वल आ जाए तो इट मीन्स वो मैट्रिक्स क्या है स्क्यू हरमिशन है तो ये क्वेश्चन नंबर थर्टीन में हमने ये फोर डेफिनेशन डिस्कस करनी थी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हरमिशन और स्क्यू हरमिशन तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर फोर्टीन डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है इफ़ ए इज इक्वल टू ए वन वन प्लस अयोटा और अयोटा और हमें फाइंड क्या करना है ए इन टू ए काजुगेट ट्रांसपोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे इसका कांजुगेट लेंगे अब किसी भी मैट्रिक्स का कांजुगेट लेते हुए उसमें कंप्लेक्स एंट्रीज के साइन हो जाते हैं तो ये साइन चेंज हो जाते हैं तो ये वन प्लस सोटा है तो वन माइनस एोटा हो जाएगा और ये प्लस सोटा है तो ये माइनस सोटा हो जाएगा और फिर इसका क्या करना है हमें ट्रांसपोज लेना है तो ट्रांसपोज लेंगे तो ये कॉलम है तो ये रो बन जाएगी तो वन वन माइनस और माइनस तो हमारे पास ये ए कांजुगेट का ट्रांसपोज है और ये ए है दोनों को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई तो ए इन टू ए कांजुगेट ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए क्या चीज़ है यहाँ से वन वन प्लस अयोटा और अयोटा और यहाँ से ए कांजुगेट ट्रांसपोज क्या है वन वन माइनस iota माइनस एोटा इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से रो वन को कॉलम वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन आ जाएगा रो वन को कॉलम टू से तो वन माइनस अयोटा आ जाएगा रो वन को कॉलम थ्री से तो माइनस एयोटा अब रो टू को कॉलम वन से रो टू को कॉलम टू से वन प्लस अयोटा इंटू वन माइनस एयोटा तो वन माइनस अयोटा स्क्वायर और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा और माइनस एयोटा स्क्वायर इसी तरह रो थ्री को तीनों कॉलमों से अयोटा अयोटा माइनस अयोटा स्केयर और ये माइनस अयोटा स्केयर आ जाएगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे वन वन माइनस अयोटा माइनस अयोटा वन प्लस अयोटा अयोटा स्केयर माइनस वन होगा इस माइनस को प्लस कर देंगे माइ वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू अयोटा स्केयर माइनस वन हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये वन माइनस अयोटा हो जाएगा ये अयोटा आ जाएगा अयोटास के अगर माइनस वन तो माइनस माइनस प्लस तो ये अयोटा प्लस वन और ये अयोटास के अगर माइनस वन और ये साथ माइनस है तो ये प्लस वन आ जाएगा तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है कि कोई भी मैट्रिक्स और उसका कांचूगेट लेके उससे मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स आया है तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है इसमें हमें रैंक फाइंड करना है अब रैंक की डेफिनेशन क्या होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज़ आफ्टर एचिलान फॉर्म और रिड्यूस एचिलान फॉर्म आपने एचिलान फॉर्म या रिड्यूस एचिलान फॉर्म बना के नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज़ रैंक में कंसीडर नहीं करते नॉन ज़ीरो रोज कंसीडर करते हैं तो एचिलान फॉर्म क्या होती है एचिलान फॉर्म ये होती है कि जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री होती है ना हर रो की वो क्या होनी चाहिए वन होनी चाहिए ईच नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ ए रो शुड बी वन और नंबर ऑफ़ जीरोस इन दूसरी कंडीशन नंबर ऑफ़ जीरोस इन द नेक्स्ट रो आर ग्रेटर देन द प्रसिडिंग रो के नेक्स्ट रो में नंबर ऑफ़ जीरो ज़्यादा होने चाहिए प्रसिडिंग रो से तो ये दो कंडीशंस है ए, ए, एचिलान फॉर्म के लिए और अगर वन के ऊपर भी ज़ीरो बना लेंगे तो वो रिड्यूस एचिलान फॉर्म बन जाएगी तो यहाँ पर पहले नंबर पर तो वन है अब हमने क्या करना है यहाँ से ये मैं इसको दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ वन माइनस फोर माइनस सेवन टू माइनस फाइव वन थ्री माइनस सेवन और फोर देखिए हम वन के नीचे ज़ीरो बनाएंगे तो और एक और सॉरी यहाँ पे एक रो मिस हो गई है यहाँ से वन माइनस टू और ये थ्री अब इस वन के नीचे ज़ीरो बनाना है तो रो टू माइनस टू रो वन रो थ्री माइनस रो वन और रो फोर माइनस थ्री रो वन इस वन के लिहाज से ही बनाना होता है हम इसको टू से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर देंगे इसको इससे डायरेक्ट माइनस कर देंगे इसको थ्री से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये वन माइनस फोर और माइनस सेवन तो एज़ इट इज़ टू टू माइनस टू तो ये ज़ीरो हो जाएगा माइनस फाइव माइनस माइनस प्लस एट तो ये थ्री बनता है और यहाँ से वन माइनस माइनस प्लस तो ये फ़िफ्टीन आ जाएगा ये ज़ीरो आ जाएगा माइनस टू माइनस माइनस ये प्लस टू हो जाएगा थ्री माइनस माइनस प्लस सेवन तो ये टेन हो जाएगा नेक्स्ट यहाँ से क्या आ जाएगा थ्री माइनस थ्री जीरो आ जाएगा रो थ्री माइनस थ्री रो वन माइनस सेवन माइनस माइनस प्लस ट्वेल्व तो माइनस सेवन प्लस ट्वेल्व फाइव आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा फोर माइनस थर्टी फाइव तो यहां से क्या आ जाएगा सॉरी फोर माइनस ट्वेंटी वन तो यहां से माइनस माइनस प्लस तो ये ट्वेंटी फाइव हो जाएगा अब हम क्या करते हैं ये फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट वन उसके नीचे जीरो अब सेकंड रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री वन बनानी है तो वन बनाने के लिए हम क्या करेंगे रो टू को थ्री पे डिवाइड कर देते हैं तो जब रो टू को थ्री पे डिवाइड करेंगे वन माइनस फोर माइनस सेवन जीरो इधर वन आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा थ्री यहां से क्या आ जाएगा जीरो टू और टेन और यहाँ से फाइव सॉरी ज़ीरो फाइव और ट्वेंटी फाइव अब वन बन गया वन के नीचे ज़ीरो बनानी है तो क्या आ जाएगी रो थ्री माइनस टू रो टू और रो फोर माइनस फाइव रो टू वन के लिहाज से ही बनाते हैं तो मतलब इसको टू से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस इसको फाइव से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस तो ये वन माइनस फोर माइनस सेवन एज इट इज़ जीरो वन थ्री एज इट इज़ ये तो ज़ीरो आ जाएगा टू माइनस टू ज़ीरो आ जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा टेन सॉरी थ्री पे डिवाइड किया तो ये फाइव आएगा टेन माइनस टेन ये भी ज़ीरो हो जाएगा अब फाइव माइनस फाइव जीरो हो जाएगा और फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव ये भी जीरो हो जाएगा तो ये आपके पास एचिलान फॉर्म बन गई है अब एचिलान फॉर्म बन गई है तो रैंक क्या होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज़ ये भी नॉन ज़ीरो रो है ये भी नॉन जीरो रो है ये ज़ीरो रो है ये ज़ीरो रो है तो रैंक होता है नॉन ज़ीरो रोज़ यहाँ पे नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है टू है तो इट मीन्स रैंक क्या हो जाएगा टू और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन डिस्कस करते हैं और ये इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है और इसकी हमने मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है तो मैट्रिक्स फॉर्म बनाना बहुत ईजी है मैट्रिक्स फॉर्म कैसे बनाते हैं ये याद रखिएगा मैट्रिक्स फॉर्म के लिए सबसे पहले कॉफिशेंट मैट्रिक्स टू माइनस वन और ये वन इधर कॉफिशंट वन फिर कॉफिशियट टू फिर कॉफिशियन टू फिर कॉफिशियट वन फिर कॉफिशियट माइनस टू फिर कॉफिशियट माइनस वन कॉफिशियट मैट्रिक्स बनाने के बाद वेरिएबल्स जो यूज हुए हैं तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री हैं और फिर राइट एंड साइड एट सिक्स और वन और इसको हम ए कह देते हैं इसको एक्स कह देते हैं इसको बी और एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी और यहाँ से ए इनवर्स किसके इक्वल होगा वन ओवर ए डिटर्मिनेंट एट ऑफ ए तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है हमने जस्ट मैट्रिक्स फॉर्म बनानी थी इस क्वेश्चन में तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर फोर डिस्कस करेंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह